हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये काफ़ी कमेंट भी आए और जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रखा उन्हें पता होगा क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने स्टोरी लगाई थी। और जिन्होंने भी कर रखा उनका शुक्रिया, क्योंकि गाइस बहुत सारे मेरे स्टोरी पर DMs आए कि क्या हुआ क्या हुआ। क्योंकि गाइस मैंने स्टोरी ऐसी लगाई थी क्योंकि इस समय हम सभी लोग हैं गाँव में, और गाँव में हम इसलिए हैं क्योंकि मेरे पापा के जो चाचा लगते हैं उनकी डेथ हो गई थी कल 12:30 बजे। हमें दोपहर में खबर मिली मेरे ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही, तो फिर मैंने सोचा ब्लॉग बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि डेथ हो गई, तो डेथ में क्या ब्लॉग बनाऊंगा। तो सब कुछ हमने क्रियाकर्म करा, आकर सब कुछ कर दिया। आज तीजा था, तीजा वीजा कर दिया, सारे मेहमान आए हुए थे, सब मेहमान गए। तो अभी बज रहे हैं 3:50 हो रहे हैं गाइस, तो 3:50 हो रहे, तो अब सारे मेहमान चले गए और सभी लोग, अब हम घर वाले बैठे हैं। तो मैंने सोचा आप ब्लॉग स्टार्ट करके आपको मैं बता देता हूँ जो भी हुआ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मेरे पापा के चाचा की डेथ हो गई। तो अभी हम गांव में बैठे हैं और यहाँ पर सब लोग गाइस थके हुए हैं, मम्मी पापा भी सो रहे हैं, बुआ भी आई पड़ी है, दीदी बाबू और दादी यहाँ पर बैठ के सब्जी काट रही हैं, क्योंकि खाना पीना भी शाम को बनेगा। वैसे तो बन गया था तीजे का, बट ये दादी ने रख रखी थी तो ये काट रही हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ ब्लॉग और आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, मुझे मैसेज भी आ रहे थे, DMs में देख रहा था। तो थैंक यू सो मच इतने DMs करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे DMs देखकर। कुछ ऐसा हुआ था कि दादी का 12:30 बजे फ़ोन आया रोते रोते कि ये ऐसा ऐसा हो गया, पापा काम पे थे। फिर पापा ने हमें फ़ोन किया तो हमने फटाफट से हम सब रेडी हुए, जो भी कपड़े लेने थे एक जोड़ी वो लेकर हम फटाफट पापा आए घर पे, और सब चाचा वीचा सब मम्मी भी हम सब निकले। फिर हम पहुँचे यहाँ पर, हमें 3:30 बज गए यहाँ पर पहुँचने में, और फिर बहुत मतलब रोना धाना चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो गाइज इसलिए मैंने ये सही नहीं समझा ब्लॉग बनाना, रिश्तेदार आ रहे थे, सब लोग देखने आ रहे थे, क्योंकि गाइज वो हमारे परिवार के ही मेम्बर थे, मेरे पापा के चाचा जैसे हमारे चाचा हैं तो वैसे ही पापा के चाचा, मेरे तो दादा ही लगते थे, दादा ही बोलता था मैं, तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो वैसे तो गाइज वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली थी, काफ़ी उम्र थी दादी, कितनी 70-75 साल के थे वे। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब, मतलब थोड़ी नहीं गाइस, बहुत दिनों से उनकी धीरे धीरे तबीयत ख़राब होती चली गई, और फिर एकदम से ही कल वो हो गया। तो इस वजह से गाइस यही सब हुआ, बहुत रोना धाना चल रहा था कल, तो दादी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर अब सब ठीक है, सब तीजा वीजा हो गया, सब समझ गए कि हाँ ये तो होना ही है गाइस, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीती, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, तो यही बताना था आपको। और गाइज यहाँ पर कुर्सी भी रखी है, जो कि रिश्तेदार आते आए थे बैठे थे, काफ़ी सारी कुर्सी रखी है वहाँ पर भी है, और साथ में यहाँ ये टेंट सा भी बंधा था जो कि अभी खुल चुका और ये बिछ रहा था। तो अभी सब कुछ ये हट चुका है क्योंकि रिश्तेदार आके जा चुके थे, सब कुछ हट चुका है। अभी ये कुर्सी भी हमें वापस देकर आनी है और थोड़ा बहुत जो भी काम रहा है वो करना है। तीजे के लिए बने थे चावल, साथ में ये बूरा है और दाल बनी थी, सब कुछ काम ये भी हो गया था। तो गाइज कल तो हम दिल्ली से यहाँ 3:30 बजे पहुँचे, सब कुछ करवाया। तो गाइज हम लेके निकले गढ़गंगा के लिए डेड बॉडी को, लेकिन गाइज रास्ते में इतना जाम मिला हमें, इतना जाम कि हमें गढ़गंगा पहुँचते में 9 बज गए, और फिर वहाँ से सब कुछ करने के बाद आने का टाइम हुआ, तो हमें गाइज आते आते 1:30 बज गए रात के, इतने ज़्यादा थक गए, घर में भी कोई नहीं सोया, जो भी हम सब गए थे चाचा पापा में बहुत मोहल्ले के बहुत सारे जने सब थक गए थे, तो इस वजह से गाइज बहुत ज़्यादा थकान हुई थी। फिर आकर थोड़ा बहुत ही सो पाए, फिर सुबह उठे, तीजा वीजा का काम किया, इसलिए बहुत ज़्यादा घर में सब सब थक रहे हैं, तो अभी सब आराम कर रहे हैं। और मैंने सोचा क्यों नहीं यही वक्त है, शांति है घर में, तो ब्लॉग शुरू कर लेता हूँ, अभी कोई है भी नहीं, तो मैंने फिर ब्लॉग शुरू करा। अब ना मुझे एक काम करना है, ये जो सारी कुर्सियाँ रखी है ये वापस मुझे देकर आनी है टेंट वाले के पास जिनसे लाए थे, क्योंकि अभी सब रिश्तेदार तो आ नहीं रहे, तो इनका किराया चढ़ता जाएगा, तो अभी देकर आ जाता हूँ मैं, पहले रिक्शे वाले को बुला के लाता हूँ, उसमें सारी कुर्सी डाल के फिर देकर आता हूँ। सड़क पर पहुँच गया हूँ, अब यहाँ से रिक्शे वाले को किसी को ले जाता हूँ साथ में, और यहीं पर बराबर में मुझे कुर्सियाँ रखवानी है यहाँ पर। गाइस वो आ रही रिक्शा, इनसे बात कर लेता हूँ। गाइस मिल गया ये रिक्शा, अब लेके जा रहा हूँ इसे घर के पास और फिर रखता हूँ इसमें कुर्सी। इधर ले लो यहाँ पर, ये बाइक जो खड़ी है। यहीं पर मोड़ लो है। तो गाइस ले आया मिनी मेट्रो को, अब रखता हूँ सारी ये कुर्सी है
और साथ में एक ये दरा है और ये है, 20 कुर्सी है, गिन के पूरी ले जानी है। यहाँ 3 रखिए, फाइनली सारी कुर्सी रख दिया, अब ये ले चलता हूँ। फाइनली गाइस सारी कुर्सी ले आया हूँ दुकान पे, अब रख देता हूँ। गाइस आ गया हूँ घर में वापस कुर्सी देकर, और सही हट गई वो कुर्सी, क्योंकि गाइस क्योंकि उसका काम नहीं था, आपको याद नहीं रहता तो किराया चढ़ता रहता, तो अब दे दी 20 कुर्सी थी और कुछ 200 रुपये हुआ है, एक कुर्सी 5 रुपये की एक दिन के लिए। तो गाइज अभी यहाँ पे पंखा लगा के हम बैठे हैं और यहाँ मम्मी ये टोप धो रही है, क्योंकि ये भी किसी से लिया था, इसमें चावल बनाए थे, तो ये उन्हें देकर आऊँगा अभी मैं। तो गाइज धुल चुका है टोप, तो देकर आ जाता हूँ जिनसे हमने लिया था। लो तन्नु दीदी आपका भगोना। अभी घर पे वापस आ गया हूँ मैं और दादी कुछ बात बता रही है हमारी। आतीजा है तो ये बर्तन ना यहाँ रख दो नल पे, इन्हें मांझियो मत, क्योंकि वो आके देखेंगे बर्तन कुड़कुड़ाएंगे कि कुछ खाया बनाया या नहीं इन्होंने। हाँ अगर तुम बर्तन मांजो तो वो आने का नहीं, क्यों देखेगा कि इन्होंने तो कुछ खाया पाएगा तो वापस हो जाएगा। अच्छा मतलब लास्ट के बाद। हाँ, तो, मजाक ना करें। गाइज ये जो पुरानी परंपरा चलती हुई आ रही है, तो दादी ने हमें वही बताया कि जो भी बर्तन गंदे हुए हैं उन्हें धोने नहीं है, उन्हें बाहर ऐसे ही रख देने, क्योंकि दादा जो हमारी जिनकी डेथ हुई है उनकी रूह आएगी यहाँ पर बर्तनों में, देखेगी क्या बना क्या नहीं, और अगर बर्तन धुले हुए रख दिए तो वो निराश होकर यहाँ से चली जाएगी। तो दादी ने वही बताया जो कि होता आ रहा है कि बर्तन नहीं धोने, बर्तन को ऐसे ही रखना। आज लास्ट दिन है, आज तीजा है, तो आज तीजा है, तो इस दिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, तो वही हमारे घर के बड़े हैं जो वो हमें बता रहे हैं। तो ये हमारी दादी हैं, छोटी दादी, और इन्हें तो आप जानते ही हो बड़ी दादी। तो गाइस अभी यहाँ सब बाहर ही सोएंगे, तो बिस्तर बिछाए जा रहे हैं, जो भी पलंग विलंग खाट वाट है, और बाकी दादी तो यहाँ सोएगी और एक वहाँ बिछरा है, और अभी यहाँ बिछाए जा रहे हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से सभी लोग सो रहे हैं बाहर, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो यहाँ पर सब सो रहे हैं और हम सो रहे हैं इस पलंग पे। वक्त हो गया इस व्लॉग को एंड करने का, बिस्तर बिछ चुका है, अभी सोएंगे, काफ़ी थके हुए हैं सभी लोग। तो ये छोटा सा ही व्लॉग था, बस आपको अपडेट देनी थी जो भी हुआ, तो करता हूँ इस व्लॉग का एंड। आई होप सो आज का व्लॉग आपको पसंद हो, व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।